प्रभु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे जेम्स कर्टिस हेपबर्न के जीवन के बारे में। जन्म 13 मार्च 1815, मृत्यु 21 सितंबर 1911, मूल स्थान पेंसिल्वेनिया अमेरिका, दर्शन जापान चीन। आइए हम ध्यान देते हैं। जेम्स कर्टिस हेपबर्न जापान में सुसमाचार ईसाई सभ्यता के महान अग्रदूतों में से एक थे। परमेश्वर का वचन, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, का वचन का पालन करते हुए हेपबर्न ने विभिन्न ईसाई समुदायों की यात्रा एक चिकित्सा मिशनरी के रूप में की। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज से स्नातक करने के कुछ समय बाद हेपबर्न ने अपनी पत्नी कालरा लियटे के साथ सिंगापुर और चीन में एक चिकित्सा मिशनरी के रूप में काम किया। 5 साल की सक्रिय मिशनरी के बाद उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चीन छोड़ना पड़ा और सन 1845 में न्यूयॉर्क पहुंचे। जब हेपबर्न न्यूयॉर्क में चिकित्सा के पेशे में लगे थे तब उनके तीनों बच्चे गंभीर बीमारी के शिकार हो गए। इस व्यक्तिगत त्रासदी ने उनके मिशनरी उत्साह को फिर से जागृत कर दिया और उन्हें उसी समय जापान में सेवा करने का अवसर आया। उस समय जापान ने खुद को पश्चिम से अलग कर दिया था और जापानी विदेशियों से नफरत करते थे। फिर भी हेपबर्न दंपत्ति कनागावा वर्तमान योकोहामा पहुंचे और तुरंत जापानी भाषा सीखना शुरू कर दिया। शत्रुता के बीच वे डॉक्टर अंतः सन 1861 में एक क्लिनिक खोले जिसके माध्यम से उन्होंने जापान को आधुनिक चिकित्सा पेशे की और हजारों जापानियों का इलाज किया। बाइबल के अनुवादक के रूप में हेपबर्न ने जापानी मसीह धर्म और साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने पहले जापानी अंग्रेजी शब्द को उसका संकलन किया और रोमनकरण की एक नई प्रणाली बनाई। चिकित्सा सेवा के अलावा अपनी पत्नी के साथ उन्होंने एक स्कूल शुरू किया जिसमें युवा जापानी को अंग्रेजी सिखाते हुए उन्हें बाइबल का भी परिचय कराया करते थे। वह स्कूल पढ़कर बीजी गाइकुन विश्वविद्यालय बन गया और जो अब भी एक प्रतिष्ठित ईसाई संस्थान है। हेपबर्न ने मसीहों के विश्वास को मजबूत करने के लिए योकोहामा में एक चर्च की स्थापना की। हेपबर्न मसीह का एक वफादार, मेहनती, जोशीला और विनम्र सेवक थे जो सभी मानव जाति से प्रेम करते थे। उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में इस धरती पर अपनी दौड़ पूरी की और जरूर अपने परमेश्वर से, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो सुना होगा। प्रिय, क्या जो कुछ आप चाहते हो कि मनुष्य आपके साथ करे आप भी उनके साथ वैसा ही कर रहे हो? प्रभु मुझे लोगों के आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बनाइए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।